खुद का फोड़ा छुपाने के लिए ये दूसरे के फोड़े के बारे में बताते हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि ये दूसरे का फोड़ा दिखा के खुद कैंसर को ठीक बताने पे लगे हुए थे कि मुझे कैंसर है तो क्या हुआ, उसे भी तो फोड़ा हो रखा है। हाँ, तो ये ठीक चीज नहीं है ना, दूसरे की सही, बुराई क्या कहें दिखा इनको के फिर खुद से? को अच्छा साबित करना, ये तो मुझे बहुत गलत लगता है। फिर से मौका दिया अगर जाए तुम्हें, उनको। अगर जी कोई जी फायदा नहीं है, अभी दुनिया भर की बातें करेंगे सिवाय मुद्दे की बात के, और अब तो एडम भाई भी अभी गर्म हो जाएंगे, मामला खराब होगा। नहीं, एडम भाई को हम शांत कर देंगे, गर्म होने आज हम उनको देंगे ही नहीं। एडम भाई, हमारे आशिक इकबाल जी का ये कहना है कि बच्चे ज्यादा पैदा करना था, इसकी वजह से मोहम्मद साहब ने 6 साल की आयशा के साथ उन्होंने शादी की थी। अच्छा सर, वो बोल रहे थे कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि इस दफा मैं चाहूंगा कि वो इस पॉइंट को पूरे तरीके से पहले एक्सप्लेन कर लें, फिर हम बोलेंगे। ठीक है, यस आशिक इकबाल भाई, हेलो। यस आशिक इकबाल भाई बोलिए, क्या पॉइंट था आपका? कौन सा वाला पॉइंट बोलिए आप, तो छह मतलब साल की एक पॉइंट बच्ची में के चार साथ जंप करवा दिए। ठीक हाँ 6 साल की है, बच्ची के अच्छा साथ मोहम्मद साहब ने शादी की थी। आप इसको ओके डिफेंस में ओके, आपके सुनिए आप सुनिए। इसके डिफेंस में कुछ बातें बता रहे थे, बोलिए। हाँ, उसको मैं हिस्ट्री बता रहा था। उस टाइम डिफरेंट ट्राइब था, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे हमला करता था, तो उस टाइम मैन पावर ही प्रायोरिटी दिया जाता था। जितना ज्यादा लोग होगा ट्राइब में, उतना पावरफुल ट्राइब होगा, दूसरा कोई अटैक नहीं कर पाएगा, अटैक करेगा भी तो उसको संभाल लिया जाएगा मैन पावर से। इसीलिए क्या जरूरत है, मैन पावर के लिए बच्चे जरूरत है, इसीलिए बच्चे से शादी होता था, क्योंकि ज्यादा बच्चे पैदा करने थे। ये एकदम रियलिटी है, क्योंकि अगर ना करते, सपोज वो ना करते तो क्या होता, दूसरा ट्राइब उनके ट्राइब पे हमला करता, उनका उनको तो कत्ल करता ही, उनका जो मतलब लड़कियां हैं बच्चियां हैं उनको भी उठा के ले जाता, या तो उनको कत्ल करता या फिर उनसे मतलब बच्चे पैदा करता, यही काम है। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है, उस टाइम का कल्चर बन गया था। लेकिन अभी एक भी मुस्लिम आप नहीं देखेंगे, अभी तो ट्राइबल, अब वो ट्राइब वगैरह कुछ नहीं है, तो मुस्लिमों में अभी क्या 6 साल की उम्र में शादी होता है? नहीं होता है, क्योंकि ट्राइब नहीं है, ये हिस्ट्री है। लेकिन आप जो बताते हैं बस आके बाकी काटना कि देखो मोहम्मद साहब ने 54 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी कर ली, लेकिन हिस्ट्री नहीं है, जानते हैं आप लोग, हिस्ट्री बोलना भी नहीं है आपको। बस आप कंपेयर करते हैं मॉडर्न टाइम से, प्रेजेंट टाइम से, इस टाइम में तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उस टाइम में ऐसा करना पड़ता था, जरूरत था। छोटे नुकसान से बेहतर है, मतलब बड़ी नुकसान, बड़े नुकसान से बेहतर है छोटा नुकसान। हो ये गए मेरा बात, अभी सिंपल सा खुश? पॉइंट था। ठीक है, हो गए खुश, हो गए अभी आप, आपको मौका मिल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत आप खुश हो गया। बिल्कुल बीच में मत बोलिएगा, ठीक है? जब आपको देखिए मौका दूंगा मैं तब आप बोलिएगा, ठीक यस है? सर, चलिए हाँ स्टार्ट बिल्कुल करिए। आशिक ओके इकबाल, ओके मैंने इसी वजह से आपको खुल्लम खुला टाइम दिया कि आप अपना पूरा पॉइंट रखें, ताकि जब हम बोलें तो फिर आप बीच में ना बोल सकें। अच्छा देखिए, मोहम्मद से के बारे में बात हो रही है और आपने उसको ज्वाइन किया है कि उस जमाने में बच्चों की जरूरत थी। मोहम्मद एक भी औरत से बच्चा पैदा नहीं कर सका, 13 की 13 या 11 की 11, डिपेंड करता है आप किस हदीसों को मानते हैं। बीवियों में से किसी एक से भी बच्चा नहीं रख सका। उसके अलावा उसने कहा कि ये जितनी भी मेरी बीवियां हैं ये तमाम मोमिनों की माएँ हैं, लिहाजा मेरे मरने के बाद भी कोई मेरी किसी भी बीवी के साथ शादी नहीं कर सकता। तो आपकी जो ये लॉजिक है ना कि मोहम्मद ने 6 साल की लड़की से शादी की वो इसलिए कि उसे ढेर सारे बच्चे चाहिए थे, उस जमाने में बच्चों की जरूरत थी, ये तो सर आपका पहला पॉइंट ही खुटे लाइन लग गया, ये गटर के अंदर चला गया। दोबारा से कोशिश करें, किसी और पॉइंट पे आइए। क्या मैं अब क्या मैं बोल सकता हूँ? यस बोलिए। अच्छा ठीक है, तो उनसे एक भी बच्चा नहीं हुआ ना किसी बीवी से? 11 बीवियों हेलो, की आवाज बात आ कर रहा रहा है? हूं मैं, 11 बीवियों की बात कर रहा हूं जो उसकी बाद में हुई है। जो खतीजा की है उसका एक और टॉपिक बनाएंगे किसी और दिन, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो अच्छा, बाकी उसकी बीवी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, प्लीज जवाब दीजिए। तो अच्छा आप बोल रहे हैं उनसे एक भी बच्चा नहीं हुआ है, आपने मेरे, लेकिन आशिक इकबाल भाई, अरे एक मिनट एक मिनट आशिक इकबाल भाई, मैं आपको मौका दे रहा हूँ जवाब देने से पहले। स्क्रीन पे 6 साल की लड़की होती कितनी है जरा वो भी देख लीजिएगा। चलिए आपका वक्त स्टार्ट होता है, हाँ बोलिए। हाँ मुझे पता है तुम्हारे लिए शायद 6 साल की बच्ची मार्स से आया होगा, लेकिन मेरे लिए मुझे पता है तुम शायद सोचे होंगे मार्स से आता है इसलिए पता नहीं है, देख लो खुद से देख लो। साहिल साहिल रहने दे यार, नहीं बहस कर, छोड़ दे इस बात को, उसे अपना जवाब ठीक, देने दे यार, ये छोड़ दूसरे तरीके से बात। अच्छा हाँ सुनो जी, सुनो जवाब दे, ना। जवाब। अच्छा आप तो देखिए, आप अभी दलील बोल रहे थे, लेकिन आप खुद ने दलील नहीं दिया, दिखा दीजिए ना आप कि किसी से नहीं हुआ, कोई हदीस दिखा दीजिए, आप हदीस का बहुत रेफरेंस देते हैं, पता है सर आप जी दिखाएंगे, देखें देखें दिखाइए देखें, यही बात मुझे। सुने मेरी, दिखाइए दिखाइए। आप मुझे बताएं कि खतीजा के अलावा किससे उसकी औलाद हुई, प्लीज। वो हदीस अच्छा आपने एक दिखानी जो बात चीज बताइए, मौजूद अच्छा नहीं है। वो तो एक बायोलॉजिकल सेकेंड, मैटर, अगर किसी जो से नहीं चीज होता, रुकिए ना आप तो बोल लिए साहब ना, ये तो मेरा साहब टाइम था, एक आप क्यों बोल रहे हैं फिर? साहब साहब एक नहीं, सेकेंड, आप क्यों बोल रहे हैं, मैं तो ठीक नहीं बोला था, है? आप मैं दिखाइए। आपको इस वक्त लॉजिक बयान करने की कोशिश करने लगा हूँ। लॉजिक तो आप ये नहीं, एक नहीं है, सिंपल मेरे टाइम में लॉजिक आप है, ही बोल रहे हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जरा इस लॉजिक को अच्छा सुन बोल लें, देने क्योंकि दो आप, आप, हाँ मैडम बोल बोल, लेने दो। चलिए बोल लें, चलो बोलो। हाँ सुनो आप, तो मैंने क्या बोला, ज्यादा बच्चे पैदा करने थे, इसीलिए मोहम्मद साहब की जितनी भी बीवियां थी
उनको क्या मतलब उनके उम्र का देखो, उस टाइम में क्या वो बच्चे पैदा करने के लायक थी? और आप ही बोल रहे हैं ना कि 11 बीवी से बच्चे नहीं हुए, मतलब बायोलॉजिकल कोई कोई प्रॉब्लम था इस वजह से नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो किसको रहा है? प्रॉब्लम था? किसको प्रॉब्लम था? आप जो बोल रहे हैं किसको प्रॉब्लम था? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मैं एज्यूम कर रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं, एज्यूम कर रहा किसके हूं, बारे में? देखिए समझो। किसके बारे में दोनों अज्यूम के करें, वो नाम देखिए, नहीं बोल। मोहम्मद साहब के बारे में तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि मोहम्मद उनका अकबर उनका में उनका किसके बारे औलाद में? था। अरे सुनिए ना, उनका तो औलाद था लेकिन बाकियों में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन तो आप बोल रहे हैं कि अब पॉपुलेशन तो बढ़ाना है, मैन पावर बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या होगा? कि 11 बीबी से तो बच्चा नहीं हुआ, दूसरा जिनसे हुआ है उनका उम्र ज्यादा है, तो आप ही बताइए ना अभी मैन पावर कैसे बढ़ेगा? ओके, अब मैं बोलता तो शादी का बात, उनसे शादी करने का लॉजिक भी आप बता दीजिए। हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ आपके देखिए बात पूरा मान लेता अगर ऐसा कुछ होता कि हाँ उनका एज ठीक ठाक था तो उनसे मतलब कोई दूसरे से शादी कर सकती थी, क्योंकि इस्लाम में पूरा जायज है मतलब शोहर के मौत के बाद दूसरे से शादी करना। आप, आपकी उम्मे हातुल मोमिनीन के साथ शादी जायज है? जरा मुझे ये बता दीजिए पहले, उम्मे अरे हातुल मोमिनीन के साथ किससे शादी जायज है, हाँ या ना? किससे किससे उम्मे हातुल उनको मोमिनीन मोहम्मद की मतलब बीवियों बताइए ना, से उतना भारी मतलब उतना भारी मुझे नहीं आता भाई, यार, मतलब बताइए। अगर आपको उम्मे हातुल मोमिनीन के लफ्ज का मतलब ही नहीं पता तो फिर तो आप मुसलमान किस हाँ बात मतलब के? आपको सब कुछ पता है, मुझे कुछ नहीं पता, यही बोलना चाह रहे हैं कोई ना? बात नहीं, तमाम व्यूवर सुन रहे हैं, उम्मे हातुल हाँ व्यूअर्स तो मोमिनीन का सुन ही लफ्ज रहे ही हैं, अगर आप अकेले आपको, ही देख रहे हैं। हाँ जी, अगर जो मेरी बात को बार बार काटे जा रहे हैं आप, जो अरे आपको तमाम मुझे ही बोलने उम्मत की, दीजिए। और हाँ यार सब्र ले ले यार प्लीज, थोड़ा सा आराम से तहम्मुल से चलो, मैं आपके साथ तहम्मुल से चल रहा हूँ। जो नहीं भाई, कौम की आप माएँ हैं रेफरेंस तो दिए यार, नहीं ना, चुप आप हो जाओ तो मुझे यार, रेफरेंस पूछ रहे थे। आशिक इकबाल यार, किस तरीके के इंसान हो यार, थोड़ा सब्र रखो यार, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मतलब आपको मिला है तुम अपनी लोगों बात में ही रखने कोई का। स्टैंड नहीं है। अच्छा एक मिनट अच्छा मैडम, एक नेक्स्ट मिनट नेक्स्ट कब करोगे? एक सुनो मिनट सुनो सुनो, मैडम, मुझे एक जाना मिनट है, 10 बज गया ना है, ना मेरा ना काम है। ना सुनो ना, अरे भाई अब भाग ना ना जाओ ना फिर ना, कैसे फिर 9 बजे चलेगा? क्यों नहीं चालू दो मिनट, किए? एक मिनट मैडम, एक मिनट को मैं 2 मिनट मैं तो और 9 बजे पूरा से दे आया रहा हूँ, था, ताकि आशिक इकबाल भाई 2 मिनट पूरा कमेंट दे में रहा भी हूँ आपको। बोल चुका हूँ 10 बजे मुझे जाना है, मेरा काम है, कोई बेला बैठा नहीं है इधर। मतलब आप अभी बात नहीं कर नेक्स्ट सकते कब, हो? नेक्स्ट नेक्स्ट कब कर रहा हो टाइम बता दो, मैं आ जाऊंगा, मैं तो ऐसा नहीं हूं कि भागने अच्छा, वाला। सिर्फ जाने से पहले ये बता दो एक सिंपल सी बात, क्या कोई मुसलमान मोमिन मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद की किसी भी बीवी के साथ शादी कर सकता है? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अब रुको, ओके, अब देखो, अब रुको, आप तुम मत बोलो, रुको रुको, पूरा कंप्लीट करने दो। मुझे पता है तुम क्या करोगे, फट से एक हदीस का रेफरेंस दिखाओगे, ना उसका कॉन्टेक्स्ट आपको मालूम है, ना उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड कुछ नहीं मालूम है, बकेटी काट दोगे, देखो क्या बोला है इस्लाम एक्सपोज, पता है सब। इसीलिए मैं मेरे कमेंट में, मैं खुद से नहीं आया, मुझे आपके वही साहिल भाई ने ही बुलाया है, वही कमेंट किए थे। मैं बस सिंपल सा पूछ रहा था, आप लोगों तो बहुत ज्ञान है, सब कुछ है, तो भाई आप एक बार स्पीकर कॉर्नर क्यों नहीं जाते? हम लोग आपके प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं लेकिन आपको कभी मन नहीं किया कि एक बार जाए तो मुस्लिमों के प्लेटफॉर्म में। अच्छा मैं बोल दूं सर, स्पीकर कॉर्नर के हाँ लोग मेरे बोलिए चैनल सर। के ऊपर आके डिबेट कर चुके हैं और दोनों रो चुके हैं। स्पीकर कॉर्नर के दो कौन बंदे, कौन भाई अब कौन? एक सेकंड, अब मुझे बोलने दोगे तो पता लगेगा मैं नाम देने से पहले बीच में बोल पड़ते हो, सब्र ले अरे लो। सीखो बन तो फिर मैं बोल रहा हूँ ना, सेंटेंस तो पूरा करने दो, ठीक अरे तुम कितना पूरा करने दिया, वो भी रिप्ले करके देख लो ना। है? अच्छा यार आप बोल लो, मैं बाद में बोल लूंगा, बोलो और बोल लो, मैं बाद में नाम भी अरे बता दूंगा। सुनो, हंसो भाई हंसो मुझसे और नाम हंसो, पूछे मुझे अब तो मैं बता रहा हूँ तो फिर सुनना भी नहीं चाह रहे। हाँ भाई बर्नौल भेजूंगा भाई, चिंता की कोई बात नहीं है, बर्नौल पहले भेजा खुद की पिछवाड़े में लगा लेना फिर भेजना। अच्छा एक मिनट एडम, अच्छा हो ये गया, कंप्लीट आपका, मैं आप बता हो दूं, गया। अच्छा याहिया अब्बास, याहिया ठीक है, जो स्पीकर कॉर्नर में मैं टाइटल आपको करता क्या है बोला मेरे भाई? चैनल सुनो पे, एक भाई, सेकंड, हम लोग अब आपके तुम सुनो, प्लेटफॉर्म, अब तुम सुनो, अब तुम सुनो, रुको मैं आंसर अच्छा दे दूं पूरा। अच्छा साहिल जरा इसको म्यूट अच्छा करो, अच्छा क्या तुम मैं जब आंसर दे बोलो दूं तो इसके मैं, सवाल का? हाँ, अब जनाब इन्होंने सवाल किया कि हम स्पीकर्स कॉर्नर के लोगों के साथ डिबेट क्यों नहीं करते मेरे चैनल के ऊपर, या जो स्पीकर्स कॉर्नर का है, अरबिक उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उसके साथ मैंने 2 डिबेट्स की हैं, दोनों के अंदर वो रोता हुआ भाग के गया। दूसरा शख्स स्पीकर्स कॉर्नर का अब्बास आगा, अब्बास आगा 2 दफा मेरे चैनल पे आया, पहली दफा 90 मिनट की तकरीबन, नहीं चलो 60 मिनट की तकरीबन डिबेट हुई थी, एंड में रोते हुए भाग के गया टै टै करके। दूसरी दफा भी उसने यही कहा मैं नहीं बोलता और भाग के भाग गया। किस तरह से रोया था सो थोड़ा सुना दो स्पीकर्स ना। कॉर्नर के मेरे चैनल के अच्छा ऊपर डिबेट्स का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके सुनना, एंजॉय करना और फिर बर्नौल लगाना। अच्छा नाउ, हाँ तो भाई बिल्कुल, मुझे भेजा ये तो नहीं जाएगा, बताओ, वरना मुझे चिंता ये मत नहीं करो, बताओ, हाँ मुझे ये नहीं बताओ कि स्पीकर सस्ता वाला कॉर्नर नहीं पे बात भेजेंगे, करनी है कि महंगा वाला नहीं। नहीं भेजेंगे। मैंने बोला है मुझे ये नहीं बताओ कि स्पीकर कॉर्नर पे बात करनी है कि नहीं करनी है। उथमान इबन फारूक को मैंने कम से कम 8 दफा चैलेंज किया है, वो हर दफा भागता है कि वो दाई है, डिबेटर नहीं है। आपके अच्छा पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मेरे साथ चैनल के ऊपर मेरे पाकिस्तान क्या होता है भाई, मैं पाकिस्तान का नहीं हूँ, भागे हैं, मुसलमान पाकिस्तान पाकिस्तान के मेरे एल भागे पे। हैं, तो आप मेरे भाई जाके पहले देखें मेरे चैनल को, उसके बाद आइएगा। और अब आप सिर्फ एक हाँ सबसे जी, इंपॉर्टेंट बात, जो नेक्स्ट टाइम आप आएंगे और क्योंकि एक, आपको काम बहुत है, अच्छा आपका उसमें तो 1.5 मिनट आपने पूरे सिर्फ हो ये गया, रेफरेंस लेके प्लीज आना प्लीज। है कि आपने अपनी माँ, जो कि मोहम्मद ने अपनी बीवियों को तुम सब मोमिनों की माए बना दिया, आप अपनी माँ के अरे साथ 2 मिनट शादी हो गया, कर बगैची कंप्लीट हो गया, सकते हो? कंप्लीट। सवाल 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 आपको ये है अरे 2 मिनट कि हो गया, जाइए बोलने तो मुझे भी जाना जाइए है।
हेलो, जाने से पहले ये सवाल का जवाब अगली दफा में लेके आना कि क्या कोई मोमिन उम्मेहातुल मोमिनीन यानी कि तमाम मोमिनों की माएं जो कि मोहम्मद की बीवी हैं उनके साथ शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये आपके लिए होमवर्क है, लेके आइएगा।